نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الامين ونحن على ذلك من الشاهدين मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रात व सामईन, माह रमज़ान जारी और सारी है। आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है माह रमज़ान का आखिरी अशरा हम कैसे गुजारें। रमज़ान का आखिरी अशरा यानी ये आखिरी 10 दिन, इसकी फजीलत और इनका मर्तबा बाकी दिनों में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इस अशरे में एक खास रात आती है जिस रात की इबादत हजार महीनों से बेहतर है, यानी 83 साल 4 माह की इबादत से उस एक रात की इबादत जो है वो बेहतर है। इस वास्ते भी इसको फजीलत, इस अशरे को हासिल है। दूसरे नंबर पर चूंकि इसमें इतिकाफ होता है, इस वास्ते भी इस अशरे को फजीलत हासिल है। और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस अशरे में इबादत पर जितना जोर दिया करते थे, उस कदर जोर बाकी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिया करते थे। हजरत आयशा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमसे जुदा हो जाते थे, यानी एतिकाफ के लिए बैठ जाते थे और रातों को जागते थे और हमें भी इबादत करने का हुक्म देते थे। इससे साबित होता है कि ये आखिरी अशरा बड़े ही फजीलतों का हामिल है। हमें इस अशरे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उमूमन ऐसा होता है कि हम इस अशरे को ईद की शॉपिंग के तौर पर जो है वो गुजार देते हैं, कपड़े खरीदते हुए गुजार देते हैं, इसी तरह साजो सामान जो है वो खरीदते हुए इसको जो है वो गुजार देते हैं। हालांकि इस महीने की जो रातें हैं और जो दिन हैं वो बड़ी ही फजीलतों वाले हैं और 3 काम ऐसे हैं जो करने चाहिए और बड़ी फजीलत के हामिल हैं। उनमें से एक तो ये है कि मसनून दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ताक रातों में वो पढ़नी चाहिए, और वो मसनून दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफु अन्ना या गफूर, ये रमज़ान की ताक रातों में पढ़ लेनी चाहिए। इसका माना यह है कि ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और करीम है, मुआफ़ी को पसंद करता है, तो हमें मुआफ़ फरमा, ए मग़फ़िरत फरमाने वाले और ए बख्शिश फरमाने वाले। तो एक तो इस अशरे की रातों में ये दुआ पढ़नी चाहिए, और दूसरे नंबर पर नमाज तहज्जुद का एहतमाम अगर हो जाए तो ये फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल इबादत है। और इस नफल, इस तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो बड़ा ख़ास वक्त होता है। और हदीस पाक में आता है कि जब हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि जब रात का 3रा पहर आता है तो अल्लाह पाक की रहमत जो है वो आसमान दुनिया तक आ जाती है। एक रिवायत में आता है कि हमारा रब जो है वो आसमान दुनिया पर नाज़िल होता है और ये आवाज़ देता है हल मिन मुस्तग़फिरिन ली फ़ग़फ़िर लहू, कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं मुआफ़ कर दूं, हल मिन मुस्तर्ज़िकिन ली फ़अर्ज़ुकहू, है कोई मुझसे रोटी मांगने वाला जिसको मैं रिज़्क अता कर दूं, हल मिन साइलिन ली फ़ऊतियहू, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। तो ये जो है वो रात के आखिरी पहर ये सदाएँ और ये आवाज़ें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो दी जाती हैं, और ये खास तहज्जुद का वक्त होता है। इसमें जो बंदा इस वक्त में तहज्जुद पढ़ लेता है यकीनन वो इस लम्हे को जो है वो पा लेता है। और तीसरे नंबर पर इस रात में जो ताक रातों में जो मामूल होना चाहिए वो कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की जो तिलावत है, एक हर्फ कुरान पाक का पढ़ने पर अल्लाह पाक 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। और सलात तस्बीह का इंतज़ाम भी अगर इन ताक रातों में हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस अशरे की ताक रातों को सही मानों में
अदब एहतराम करने और इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।